हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब 4G का ज़माना गया, अब जो आने वाला टाइम है वो 5G का है, और ऐसे में सभी कंपनियाँ अब 5G फ़ोन अपने लेकर आ रही है हर एक प्राइस रेंज में। और ऐसे में आपको लो बजट में मिल जाएगा और मिड बजट में भी आपको 5G फ़ोन मिलने वाले हैं। ऐसे में ही ओप्पो लेकर आ रहा है अपने एक मिड बजट स्मार्टफोन और एक नई सीरीज़ निकालने वाला है, जो कि होगी ओप्पो की ए सीरीज़। और उसमें जो सबसे पहले फ़ोन आएगा वो आने वाला है ओप्पो A72 5G, और ये एक 5G फोन होने वाला है और इसका प्राइस होने वाला है 20,000 से भी कम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इस फोन के बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं और देखते हैं ये कब तक लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके डिजाइन की बात कर ली जाए, आपको इसमें आगे की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट साइड पर आपको इसमें पंच होल देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ आपको इसमें लेफ्ट साइड पर ही मिलेगा स्क्वायर शेप के अंदर एक क्वाड रियर कैमरे का सेटअप। अब दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 405 PPI। उसके साथ में आपको प्रोडक्शन के लिए भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, आपको इसमें एक नया चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि होगा मीडिया टेक की तरफ से। ये फिलहाल ही में लॉन्च हुआ है मीडिया टेक का चिपसेट, जो कि है डायमेंसिटी 720 का चिपसेट, और ये एक 5G चिपसेट है। मतलब कि ये फ़ोन तो 5G होने वाला है और इसमें आपको मीडिया टेक का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ में आपको ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाएगा एंड्रीनो 610, और इसमें आपको रैम भी अच्छी खासी मिल जाएगी, वो आपको इसमें मिलेगी 4GB की रैम, और इसके साथ में आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो 256GB तक। अब मेन दोस्तों, अगर इसके कैमरास की बात कर ली जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको इसमें पीछे की तरफ मिल जाएगा क्वाड रियर कैमरे का सेटअप, और जो मेन इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको इसमें मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा। उसके साथ जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो आपको इसमें मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए, जो कि दिया गया है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और तीसरा कैमरा आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, और चौथा कैमरा भी आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में मैं आपको बता दूं, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, जो कि इसकी पंच होल के अंदर होने वाला है। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए, बैटरी आपको इसमें अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि आपको इसमें एक बड़ी 5000mAh की बैटरी मिलेगी। साथ में आपको फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट भी मिल जाएगी, एक 22.5W का फास्ट चार्जर आपको इसके बॉक्स के साथ ही मिलने वाला है। और दोस्तों, ये फ़ोन आपको ड्यूल सिम में तो मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा सिम दिया गया है वो हाइब्रिड सिम होने वाला है, यानी कि आप दोनों सिम यूज़ कर सकते हो या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसमें हमको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता तो और भी मज़ा आ जाता। और इसके अलावा आपको इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और आपको इसमें 3.5mm का जैक भी मिल जाएगा, और जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ठीक इसके साइड पर दिया गया है, जहाँ इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है वहीं पर आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा Android 10Q। अब लास्ट में दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए, इसका प्राइस होने वाला है 19,990 रुपये, जो कि है ओप्पो का A72। ये एक 5G फ़ोन है जो कि दोस्तों अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च होने वाला है। जो डेट निकलकर सामने आ रही है वो है कि ये 5 अगस्त को हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस प्राइस में ये फ़ोन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए फ़ोन के साथ और एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।